उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता पाने की कवायद में जुटी है। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात चुनावी अभियान में जुटे देखे जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव इन दिनों कहाँ हैं और वो चुनावी प्रचार से गायब क्यों हैं? आपको बताते चले कि सपा ने पहले चरण के स्टार प्रचारकों में डिंपल यादव का भी नाम रखा है। हालांकि अब तक वे चुनावी हलचल से पूरी तरह से दूर रही हैं। यूपी में जब सियासत अपने पूरे चरम पर है तो वही डिंपल को अब तक सपा के किसी भी कार्यक्रम में नहीं देखा गया है। कन्नौज से दो बार सांसद रही डिंपल को पिछले साल दिसंबर में कोविड हो गया था। उनके ट्विटर अकाउंट पर आखिरी पोस्ट इसी का है। डिंपल ने 2009 से 2019 तक कन्नौज लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 में वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई। उसी के बाद राजनीतिक हलकों से उनकी दूरी दिखी है। डिंपल की अपनी राजनीतिक पहचान भले ही उतनी शक्तिशाली ना हो, मगर मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में महिला वोटर्स के बीच उनकी अलग हस्ती है। वही मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले दिनों बीजेपी में चली गई। अब अगर डिंपल चुनाव प्रचार में उतरती है तो यादव परिवार की दो बहुएं आमने सामने होंगी। हालांकि इन सबके बीच राजनीतिक गलियारे में ऐसी भी चर्चा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो अपने परिवारवाद के लगे आरोप से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने कुनबे से दूर रहकर अपने को वन मैन शो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।